आरोग्य जागृति। दोस्तों आज हमारे साथ आरोग्य जागृति में डॉक्टर अमोल पांडुरंग बुकन जी हैं। इनसे जानेंगे कि हार्मोनल इंबैलेंस के लक्षण क्या होते हैं और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत। आज हम हार्मोन क्लिनिक आकाशवाणी स्थित जो है इसमें डॉक्टर अमोल बुकन साहब से बात करने वाले हैं। हार्मोन इंबैलेंस क्या होता है? हार्मोनल इंबैलेंस मतलब हार्मोन्स की बॉडी में की मात्रा कम या ज़्यादा होना। ये क्यों होता है कि अपने बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स रहती है जहाँ से हार्मोन्स तैयार होते हैं। ये जो हार्मोन तैयार करने वाली ग्लैंड्स है उसमें कुछ बीमारियां हुई तो हार्मोन्स की लेवल कम या ज़्यादा होती है, इसको ही हम हार्मोनल इंबैलेंस बोलते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस के लक्षण क्या क्या है ऐसे बहुत बार पूछा जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ग्लैंड को बीमारी हुई है। जैसे थायराइड को कुछ हो गया और थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और उसे शरीर पे सूजन आना, वज़न बढ़ना, बाल झड़ना, थकावट महसूस होना, बदन दर्द होना, पीरियड महिलाओं में पीरियड का प्रॉब्लम होना, ऐसे शिकायत हो सकती है। या फिर डायबिटीज़ भी हार्मोन का ही एक डिसीज़ है जिसके कारण सडन वेट लॉस होना या थकावट, ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब बार बार होना, ऐसे तकलीफ हो सकती है। या बाकी के जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है या सेक्स हार्मोन है, उसके चेंजेस होने की वजह से आपका बॉडी का वेट कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर कुछ सेक्सुअल समस्याएं आ सकती है, या महिलाओं में पीरियड का प्रॉब्लम, पिंपल्स, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ऐसी तकलीफ हो सकती है। हार्मोन इनबैलेंस होने का मुख्य कारण क्या होता है? हार्मोनल इंबैलेंस का मुख्य कारण है जो भी ग्रंथि है वो ग्रंथि नष्ट हो जाती है या एक्टिवेट हो जाती है ज़्यादा हार्मोन तैयार करने को। तो उसका मुख्य कारण है ऑटोइम्यून डिसीजेस, मतलब अपनी इम्यूनिटी अपने बॉडी के कुछ ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है बाहर का मटेरियल, फॉरेन मटेरियल समझ के। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इंबैलेंस का। बाकी कारण है कुछ हार्मोनल ग्लैंड्स में ट्यूमर होना, या फिर कोई भी जो ट्यूबरक्यूलोसिस और बहुत सारी बाकी की बीमारियां है, ये बीमारियों की वजह से अगर ग्रंथि खराब हो गई तो हार्मोनल इंबैलेंस होता है। ये हार्मोनल इंबैलेंस जो है ये अनुवंशिकता होती है क्या? हार्मोनल इंबैलेंस की बहुत सारी बीमारियां अनुवांशिक रहती है, जैसे थायराइड। अगर किसी को थायराइड है तो उनके फैमिली में 30% लोगों को थायराइड होने की संभावना रहती है। या डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ है उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस का अपने को कैसा पता चलता है और कौन सी टेस्ट किया जाती है? टेस्ट करने के बाद उपचार के लिए कितना दिन लगता है? हार्मोनल इंबैलेंस या हार्मोन्स की बीमारी का टेस्ट जो रहता है वो यूजुअली ब्लड के थ्रू किया जाता है। कुछ बीमारियों का टेस्ट यूरिन या फिर अपने सलाइवा यानी थूक की द्वारा भी किया जा सकता है। हार्मोनल इंबैलेंस के उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही आसान है। ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेजॉरिटी बीमारियां लाइफ लॉन्ग रहती है तो उनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है। कुछ बीमारियां टेम्पररी रहती है तो उनका टेम्पररी इलाज किया जाता है। हार्मोन्स की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया या इंटरनेट पे दिए गए मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना चाहिए और अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बता के उनसे सही सलाह मशवरा लेना चाहिए।